शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बॉलीवुड और स्पोर्ट्स का मेलजोल आप देख रहे हैं, इस मेलजोल को आगे बढ़ाते फरह मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे फिल्मी सितारे टेनिस खेलते तो कैसे खेलते? बिकॉज यू आर ए वेरी गुड कोरियोग्राफर। थैंक यू। कपिल शारो का अगर खेलता जी तो कैसे खेलता? कैसे खेलते? तो म्यूजिक लगाओ। अगर अभी अगर ऋतिक खेलता कैसे खेलते? अगर सलमान, Why are you making me dirty faces? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ऋतिक के जो सामने खेलेगा वो क्या करेगा। ओके और कौन? सलमान। अच्छा अब तुम मुझे बताओ, नाना पाटेकर खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे? नाना पाटेकर खेलेंगे पहले तो वो ना सर्विस नहीं करेंगे, वो सर्विस करने से पहले सामने वाले के उधर चले जाएंगे। आ गया मेरी हार का तमाशा देख ले, आप मेरे साथ खेलेगा, आ गए मैच देखने, इंडियन रशियन का मैच हो रहा है। मैं बोलता हूँ सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री खेल सकती, शत्रु सर नहीं खेल सकते। क्यों? उनके रैकेट आपस में फंस जाएंगे। चपड़ घंजू कपिल शर्मा। हेलो नमस्ते। एक बता, दो मिनट दीजिएगा, दो मिनट दीजिएगा, अगर बात करना है। ए, कपिल शर्मा सुनिए, अरे वे खड़े हुए, अरे क्या है कि यार हमको इंसाफ दिलाइए यार। मॉल में जाओ सब कुछ मिलता है, चलो निकलो। क्या शो चल रहा है क्या? खुले सांड की तरह अंदर घुसा है। अरे तो यू डोंट नो आई एम NPP। क्या? नारी पीड़ित पुरुष। अब हमको इंसाफ दिलाइए। हम गए थे आपके, क्या है वो सिटी केबल के मालिक के पास गए थे, उन्होंने कहा कि ये आदमी यहाँ पर आइए इंसाफ दिलाएगा, आप अपने शो में हमारा मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा आपका मुद्दा कैटर से उठा, आपका मुद्दा ही बहुत बड़ा है। समझ में नहीं आ रहा आपका मुद्दा के गद्दा है, पर आपको मेरे बॉस ने भेजा है। हाँ तो फिर करना पड़ेगा, क्या करना है आपको? इंसाफ चाहिए आपको? इंसाफ चाहिए। भैया नारी से पीड़ित है, एक तो बीच में ये इधर नारी से पीड़ित है, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ रहा है, बताना। नारी से पीड़ित? हाँ क्यों? पहले नारी इनसे पीड़ित हुई। देखिए मैं आपका मुद्दा उठाता हूँ, कोई बात नहीं, आज हमारे साथ फराह खान है और सानिया मिर्जा है, आपका मुद्दा उठाया जाएगा बकायदा, लाइव चलेंगे हम लोग। अरे लाइव चलेंगे, आज कल जॉब मिली मेरे को सिटी केबल पे ना। अच्छा तो लेके आओ जल्दी डॉक्टर साहब। चंदू जी सर जल्दी आओ जल्दी। अच्छा। बहस शुरू हो रही है। डॉक्टर साहब आए भी आए। मुद्दा क्या है? मुद्दा बैठना, सिर्फ मुद्दा बैठना। डॉक्टर साहब जल्दी बैठिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा इधर बैठिए आप, टीवी में बैठिए आप, फटाफट प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जो भी हो हमने तो बकवास ही कर ली है जी। तो सिटी केबल के प्रोग्राम बिना बाल की खाल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में चर्चा करेंगे, महिला पीड़ित पुरुष जो है अपनी फरियाद लेकर आए हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए दोनों तरफ से लोग हैं। इस तरफ से आप देख रहे हैं टेनिस कोर्ट से इंटरनेशनल टेनिस स्टार सानिया मिर्जा है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी फराह खान, और दूसरी तरफ है तीन फालतू इंसान, डॉक्टर मशहूर गुलाटी हॉस्पिटल से, चंदू चाय वाला दुकान से, और मोटे भैया अपनी औकात से। तो आज हम चर्चा करेंगे, और मैं अपने पहले कंटेस्टेंट्स को बोल देना चाहता हूं कि इस चर्चा में गंदी गालियां हाथापाई बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। ओ, और फिर मैं जा रही हूं। अरे, 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 आपको अलाउड है। अच्छा। और वो लोग तीन और हम लोग दो क्यों हैं? हम दो तीन के बराबर। ध्यान से देखिए, वो पांच हैं। तो चर्चा शुरू की जाए। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। टीवी के अंदर हाथ करो ना यार। तो चर्चा शुरू की जाए, सबसे पहले वो जो मनहूस मुंह बना के बैठे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम बहुत परेशान है, अपनी बीवी से बहुत परेशान है। अरे वो हमें बहुत मारती है, लथेड़ लथेड़ के पीटती है हमको।
हमको रोज कहती रहती है मोटे मोटे मोटे. एक बार गलती से हमने उसे कह दिया आप हल्की सी भारी लग रही है. पूरा घर सर पे उठा लिया उसने. तो फरा जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर बीवी अपने पति को मोटा कहती है तो वो चलता है, लेकिन अगर पति अपनी पत्नी को जरा सी भारी कह देता है तो वो बर्दाश्त नहीं करती. Isn't it intolerance? देखो मेरा पति कभी कुछ ऐसा कहता ही नहीं है. शामत आनी है उसकी. कभी नहीं कहता वो. मुझे ऐसे ही बोलता है कि बेबी तुम बहुत पतली हो गई हो, फूल सी नाजुक हो गई हो. तो फराह के मुताबिक जो है इनके पति जो हैं, अक्कल से काम लो ना. कभी हर बार सच बोलना जरूरी होता है क्या? हम लोग बोलते हैं कि आपका मुंह अगली है, आपके बाल कैसे, आपके मुंह से बास आ रही है. कभी नहीं बोला आपने. नहीं बोला ना. थोड़ा एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो. हम लोग भी सच्चाई नहीं बोलते ना. कितने बार बोलते हैं हम कि आपकी बैक साइड इतनी बड़ी लग रही है जींस में. तो सच्चाई को छुपाना. हाँ सच्चाई को छुपाओ. हमने कभी कहा कि कितने बच्चे हो रहे हैं आपके? ट्रिपलेट्स हैं. लेकिन इसी बात पे कवाली याद आ गई. फरा मैम मेरा एक सवाल है कि जो औरतें होती हैं वो हम मर्दों पे इतना शक क्यों करती हैं? आदमी थोड़ा सा भी मार्केट से लेट हो जाए उसी टाइम फोन करना शुरू करते हैं. हेलो कहाँ पे हो? आदमी कहता है यार मैं पान वाले के पास हूँ. चलो पान वाले से बात करवाओ. आदमी सोचता है यार शादी मैंने कराई है, मौजे पान वाला ले रहा है. वाह बहुत अच्छा. इनकी शक्ल में दम हो ना हो इनके बात में दम है. तो क्या आप भी मैं मेरा सवाल सानिया और फरा दोनों से ये है क्या है? दुकान वाले हैं. दुकान ये तो हमको भी नहीं पता चला अभी तक. तो मेरा सवाल है क्या इनकी भी शायद यही कहती होगी ये है कौन. आपको शायद जवाब मिल गया है. देखिए ये हमारे सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं है. हमें ये बताइए कि पहले ये बताइए प्रॉपर वर्ड आपको किसने बताया? अरे बात करनी होगी उसे पान वाले से. चल रहा होगा उसका कुछ तो. क्या हुआ? औरतों को फ्रीडम नहीं होती अफेयर करने की? लेकिन वो पान वाले से अफेयर करे. लेकिन पान वाले के साथ ना मुंह पे दाग आ जाते हैं. तो क्या आप भी अपने पति को 5-5 मिनट बाद फोन करती हैं? मैं तो नहीं करती क्योंकि मैं तो टीवी पे देख लेती हूँ. वो टीवी पे खेलते होते हैं तो मैं देख लेती हूँ. और वो कहने को टीवी पे देखते हैं, ये भी टीवी पे खेल रहे हैं. कहने का मतलब आप विजुअल निगरानी रखती हैं. तो आप दोनों को प्यार प्यार में टीवी हो गया. तो सानिया का कहना है कि वो अपने पति को फोन नहीं करती. ब्रेकिंग न्यूज, सानिया को नहीं है परवाह कहाँ है उनके पति. ऐसा तो मैंने कभी नहीं. आप बोले ना बोले हमारा चैनल चल जाएगा. ब्रेकिंग न्यूज यही है जी. तो बरा आप नहीं करती अपने हस्बैंड को कभी फोन? करती हूँ ना. तो फिर वो उठाते हैं आपका फोन? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो उठाते हैं. मैंने कहा मैं करती हूँ. कभी नहीं उठाते? मैंने अभी नया मोबाइल लिया है. आप मुझे किसी भी टाइम फोन कर सकते हैं. कैन यू हैव माई नंबर? ओए यहाँ हमको ये करने के लिए बुलाया है यहाँ पर. शादीशुदा औरतों पे ये जो दोरे डाल रहा है. कैन यू जस्ट प्लीज हैव माई नंबर? मैं जूता पहले गोबर में भिगोऊंगा फिर आपके मुंह पे मारूंगा. आप हमारी महिला गेस्ट से आप ऐसे फ्लर्ट नहीं कर सकते. ये सिर्फ इजाजत हमें है जी. मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए. और ये कैसा टीवी है जो देखो बाहर आ रहा है उससे. अच्छा एक मेरा प्रश्न है, ये औरतें मर्दों के कपड़े पहन सकती हैं, मर्द क्यों नहीं पहन सकते औरतों के कपड़े? ये सवाल देखिए कौन पूछ रहा है. आपसे ज्यादा साड़ियां तो विद्या बालन ने नहीं पहनी.